जनता बोलेगी सुनेंगे सब विभाग बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पाकिस्तान से लाख कोशिशों के बाद भी, अमन की कोशिशों के बाद भी ये मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है कि चुनौती के तौर पे सिंधु नदी का पानी रोकने से आतंकवाद के आंकड़ों में कुछ बदलाव आएगा? देखो, मोदी जी इन सबको देख रहे हैं और ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये मोदी जी है। हर बात का जवाब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ देंगे, 40 की जगह 400 लेंगे और जितना इनोगे जो ये कुकर्म कर रहे हैं इसका फल इनको बहुत जल्द मिलने वाला है। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, अब मोदी जी की सरकार है और मोदी जी इनको अच्छे से जवाब देंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले इमरान खान ने एक बार भारत की पीठ में फिर चूरा भोंका है, तो क्या लगता है ये हाथ कट जाना चाहिए? ये हाथ अवश्य कटेगा, जैसे ही मोदी जी कहते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का हमने पहले तुरंत जवाब दिया था, इस बार दोबारा जवाब देंगे। पहली बार भी ठोका था, अब की बार भी ठोकेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। भारत देश की जो जनता है उनको जवाब चाहिए। किसी घर का चिराग बुझता है, चिराग बुझने का मतलब समझते हैं क्या होता है? उनके घर में चूल्हा नहीं जला है। ये आक्रोश, ये भारत देश की जनता यही कहना चाहती है कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। जी, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि खून खराबा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करनी होगी अगर खून खराबा खत्म करना है, एकमात्र लड़ाई ही विकल्प नहीं है। अब बहुत हो चुका, वार्तालाप की बात नहीं होनी चाहिए, अब सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे, तभी इसका देश की जनता को संतोष होगा। मैम, मोदी जी ने ये बताया है, ऐलान किया है कि देश के जवानों को पुलवामा का बदला लेने का पूरी खुली छूट दे दी गई है, तो क्या आश्वासन लग रहा है? बिल्कुल ठीक है, और ये हमारे मोदी जी ने जो जवाब दिया है और जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया। अब पाकिस्तान को उसका सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हद कर दी। हमारे इतने जवानों के ऊपर पीठ पीछे वार किए, अगर मर्द के बच्चे थे सामने से वार करते, और मोदी जी ने जो फैसला लिया है उसके लिए हम सब तैयार हैं। अब भारत की मांग क्या है? एकजुट होके खड़े हो गए, मांग क्या है? मांग एकजुट होके खड़े हो गए, पाकिस्तान के अंदर हम हमला करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हम। सबक सिखाओ, जो इसराइल ने हमारे सैनिक अपनी बलिदान देके जो देश का माहौल संभालते हैं, कश्मीर की समस्या समाधान करते हैं, ये नेता 370 पे कोई बात नहीं करते। धारा 370 हटाकर भारत में एक जैसा कानून होना चाहिए। भारत को खून चाहिए, भारत को हाथी बोलते हो, भारत को हाथी का फोटो दिखाया था, हाथी बदला लेना जानता है, ये बात हाथी बदला लेना जानता है। हम जब तक बदला नहीं लेंगे, चेहरे पे काला पोत लीजिए अगर बदला नहीं ले सकते हैं तो। नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना है, नवजोत सिंह की बात नहीं समझते, नवजोत सिंह सिद्धू, ये जो देश में जो पत्थरबाज है ना, ये हमारे देश की सेना देखती है सामने मुजरिम है, यही लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं जो ये बड़े बड़े काम करते हैं, तब हमारी सेना के पास ये हक नहीं होता। देश का गद्दार है सिद्धू, उन्हें तुरंत गोली मार दी। ये देश ना गांधी और बुद्धा का है ना, तो ये देश पोरस का भी है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का भी है, बदले पे भूख मिटाओ, ये देश सैनिक सौ का भी है। हमें एक सिर के बदले 10 सिर की जरूरत है, तभी पाकिस्तान मानेगा हमारी बात, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे मोहम्मद को भी इसकी भारी कीमत। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान को काबू करने से लड़ाई जीत जाएंगे, या फिर भारत में पनप रहे आतंकवाद को भी देखना पड़ेगा? नहीं, भारत में पनप रहे आतंकवाद को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना हमारे यहाँ के लोगों के मिले हुए इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के लोग जरूर मिले, यहाँ के गद्दार है और हमारे साथ रहते हैं, हमारे यहाँ खाते हैं और यहाँ की बुराई करते हैं। हमें मोदी से बस 40 के बदले 4000 चाहिए। और अभी महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि अगर खून खराबा खत्म करना है तो पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, युद्ध ही एक विकल्प नहीं है, क्या लगता है? आज वार्ता से काम नहीं चलने वाला है। पाकिस्तान ने जिस तरह हमारे आतंकवाद ने जिस तरह हमारे 44 वीर सपूतों को, जवानों को शहादत दिया है, तो हमें मोदी जी से निवेदन है आगे बढ़े और बदला लें। तो बदले की आग आप देख सकते हैं, भारत की जनता में उमड़ आई है, एकजुट हो